जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की जय, माँ भवानी बगलामुखी। दोस्तों, सब लोग पूछते रहते हैं कि गुरु जी भारत में कितने सारे संत हुए, हमें तो मालूम भी नहीं है उनकी क्या ताकत अब तक चलती है, क्या उनकी शक्तियाँ अभी भी हैं, वो आ जाते हैं क्या। तो मैं सबको एक बार बताना चाहूँगा मित्रों, और जी बात बिल्कुल 100% सत्य बात है कि हर संत की ताकत अभी तक काम कर रही है, वो आपके भाव के ऊपर होता है कि आपका भाव क्या रहता है। अगर भाव है आपका संत के प्रति, तो वो चीज़ आपको दिखेगी भी, ताकत भी मतलब मालूम पड़ेगी उसकी। आपको शायद मालूम नहीं है कि हजारों साल पहले के संत, जैसे कि देखिए, एक तो बड़ी रहस्यमयी संत आते हैं, महावतार बाबा, जिनका संपर्क सब जगह पर रहा है, ज्ञान गंजो सिद्धाश्रम हो, पारलौकिक सारा जगत उनके उसमें संपर्क में है, और वो अभी भी अपने जलवे दिखाते हैं लोगों को, जो उनके शिष्य हैं उनको, जो उनके उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कई संत बड़े बड़े संत, जैसे कि एक सूर्य उपासक थे विशुद्धानंद जी महाराज, एक हनुमान जी के हनुमान अवतार समझ लो, हनुमान जी का अंश समझ लो, नीम करोली बाबा, एक काली माँ के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस, एक काली माँ के दूसरे भक्त बामा क्षेपा, मथुरा के हमारे पागल बाबा, देवराहा बाबा, संत रामदास महावतार बाबा, लहरी महाशय, बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी, काली माता से साक्षात बात करने वाले सामने बैठ के काली के अवतार कहे जाते थे, बाबा बालकनाथ शिव जी के अनन्य भक्त, जिनकी टक्कर गोरक्षनाथ तक से हो गई थी, उन्होंने गोरक्षनाथ जी तक को टक्कर दी थी, शिवांश बाबा शिव जी का अवतार बाबा गोरक्षनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, परमहंस योगानंद जी, बहुत संत ऐसे हुए जिनके तो नाम भी मुझे याद नहीं है अभी तक, तो बहुत हुए, और सबकी ताकत रही। अघोरियों में मनसाराम गंगाराम अघोरी, और मत्स्यनाथ जी, और नाथ संप्रदाय के कई बड़े बड़े संत भगत तांत्रिक, तो इन सबका ताकत अभी भी है इनकी, और देखी भी जाती है। बड़े बड़े मतलब इनके काम किए इन लोगों ने, बड़ी बड़ी लीलाएं दिखाई इन लोगों को, बड़े बड़े जलवे दिखाए इन लोगों ने, इनकी ताकतें अभी भी होती हैं, अभी भी ये धरती पर आते हैं, अभी भी इनके चमत्कार देखे जाते हैं। अगर इन पर विश्वास पूरा होता है तो अभी भी ये भक्त की मदद करने आते हैं। जिसमें कि लोकनाथ ब्रह्मचारी ने तो ये तक कहा था कि अच्छाई के समय मुझे याद मत करना, लेकिन जब आपके संग बुराई चल रही हो, जब आपका समय खराब चल रहा हो, तब मुझे अवश्य याद करना, मैं अवश्य आऊँगा। यही बाबा बालकनाथ की है, इनकी भी कोई सेवा पूजा नहीं है, बस 5 दिन तक 7 दिन तक इनको प्रसाद लगा दो थोड़ा सा, बस ये आपकी सेवा में हाजिर है। महावतार बाबा के बारे में कहा जाता है कि जो भी ध्यान योगी होता है, कर्मयोगी, उसको महावतार बाबा दर्शन अवश्य देते हैं, ये भी पक्की बात है। नीम करोली बाबा को तो आप मुझे देखकर समझ ही सकते हैं कि मैंने मुझ पर नीम करोली बाबा की कृपा है, तो मैं कैसा हूँ, तो कैसे उनकी कृपा रही होगी, तो वो मुझसे अंदाज लगा सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी इन संतों का थोड़ा सा संपर्क ही आपके जीवन में अगर आ जाए ना कहीं से, तो आपके जीवन तो बदलना है ही, आपका जीवन तो बदलना है ही। बस ये बात जरूर है कि आपके ऊपर भी होता है काफी कुछ, आपका मन कैसा है, आपके अंदर आपकी भावना कैसी है। कई संत तो ऐसे चमत्कारी रहे, जैसे महावतार बाबा जी, जिनके बारे में रहस्य भरे पड़े, ये समय समय पर योगियों को दिखाई दिए। एक बार में तो इन जैसे रूप का एक मुझे भी कोई दिखाई दिया था साधना के समय पर,
लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ कि वो कौन थे। ये सब चीज़ें होती हैं। और एक बात और बताओ मित्रों, हम लोग जैसे तंत्र की तरफ भागते हैं, तो एक बात बताऊँ, तंत्र भी अधूरा है क्रिया योग के बिना और ध्यान योग के बिना। जो हम मंत्र करते हैं वो भी एक ध्यान योग होता है ना, उसका ही एक मतलब माध्यम समझ लीजिए, उसका ही एक तरीका है मंत्र योग। ध्यान योग का ही तरीका एक मंत्र योग है। ध्यान योग के बिना मंत्र योग बेकार है। जब तक आप ध्यान को क्रिया में परिवर्तित नहीं करोगे तब तक वो मंत्र नहीं बनेगा, और मंत्र नहीं बनेगा जब तक उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी, और जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तो उस मंत्र का फल आपको नहीं मिलेगा। ये तंत्र के कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो नॉर्मली व्यक्ति को नहीं बताए जाते, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा इस विषय में। जब तक आप मंत्र में पूर्णतः परिपक्वता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो चीज़ आपको फल दे ही नहीं सकती। मेरे पास जो लोग आते हैं साधना वगैरह लेने या फिर मंत्र लेने या फिर मैं उनको दूर से भी कहीं से गुरु दीक्षा लेता हूँ, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उनको ऐसी चीज़ दी जाए जिसकी वो प्रतिक्रिया मतलब तुरंत प्राप्त कर सकें। क्यों इतनी चीज़ें होती हैं, क्यों इतने सारी चीज़ें होती हैं? अब आपको एक आश्चर्यजनक किस्सा बताता हूँ। मैं अभी गुरु पूर्णिमा का जो प्रोग्राम मैंने किया था तो इसके तो गवाह कई लोग रहे, और भी चीज़ें उनके भी गवाह कई लोग रहे, इनके तो मेरे बाहर से आए हुए शिष्य भी गवाह रहे कि जिस जगह पर मैंने जब चीज़ की थी प्रोग्राम किया था तो उस स्थल पर मैंने चारों तरफ देवताओं का पहरा बैठाया था, क्योंकि नेगेटिव चीज ना आ जाए कोई, क्योंकि ऐसी जगह पर जो चीज़ें जरूर आती हैं प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए। तो कई लोग जैसे एक आशीष मथुरा से और तरुण विश्वजीत रमेश, इन सब ने महसूस किया था कि जो जो चीज़ें उनके संग थी वो सब दरवाजे पर खड़ी हो गई लाइन लगा करके, अंदर नहीं आई। मतलब उन पहरेदारों ने उनको रोक लिया कि तुम नहीं खड़े रहो, तुम्हारे जो जिनके ऊपर तुम हो वो अंदर होकर के गुरुजी से मिल करके आएंगे। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आज भी बात हुई थी हमारी आदित्य और आकाश भाई, आदित्य और विशाल भाई से आज बात हुई थी, आदित्य भाई से, तो उन्होंने बताया था कि गुरु जी उनको पूछ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमारे यहाँ जो पूर्णिमा पर घी का दीपक जल रहा था, जो वहाँ पर बड़ा दीपक जलता है हमारे प्रज्वलित किया जाता है, उसी के बाद हम गद्दी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने गुरुओं का आह्वान नहीं करेंगे तब तक हम गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। और उसमें भी इतने खतरनाक गुरु हों जैसे कि गुजर बाबा, एक मिनट में पटक दें उठा के, या फिर ये ठाकुर बाबा जी हमारे, तो हमारा सवाल ही नहीं है कि गद्दी टच भी करते हैं उनको पहले सब दीपक जलाए बिना। तो उनका वो किया गया आह्वान, उनको वो जला के जब गद्दी पे बैठा गया, तो उन्होंने जो आज चीज़ बताई थी वो मुझे पहले से ही मालूम थी। जब दीपक जल रहा था ना, तो जब लास्ट समय आया तो दीपक चारों तरफ से राउंड की तरह जलने लग गया, राउंड लगा कर बाहर से राउंड की तरह से, जैसे चक्कर चलता है ना, चक्की चलती है वैसे। मुझसे पूछ रहे थे, मैं कह रहा था उनसे कि जाते जाते सारे के सारे देवता उसको मतलब दीपक को उसकी आहुति को लेके गए, ठीक है, क्योंकि उनके नाम का ही दीपक था वो। अब दूसरी चीज़ भी होती है उसमें कि जब आप स्थान ग्रहण करते हो तो सबसे पहले आपसे ज़्यादा आप आगे स्थान ग्रहण करने का आपके गुरु का होता है। तो हर बार मेरे गुरु अपने शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर आए थे, तो ये भी होता है एक चीज़, इसको भी कहते हैं। आप जैसे जैसे इन चीज़ों में अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको रहस्य में से रहस्य और भेद में से भेद मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान का कोई पारावार नहीं है, ज्ञान का कोई मतलब सीमा नहीं है, विस्तार है। विस्तार यानी बहुत लंबा चौड़ा विस्तार, ब्रह्मांड में पूरे विस्तार। आपकी आवाज़, आपकी ध्वनि, आपकी मंत्र और आपकी भावना, आपका विश्वास कभी नहीं मरता, इस संसार में हमेशा जीवित रहता है और उसी के हिसाब से इसमें फल मिलता है।
मंत्र जो हम बोलते हैं उसकी धुनिया संसार में हमेशा आदिकाल के लिए उसमें सुरक्षित हो जाती है, संसार में वायुमंडल में वो चलती रहती है, रिपीट होती रहती है, वो रिपीट होती रहती है। मंत्र के जो सिद्धांत होते हैं उसमें आप एक चीज़ नहीं पकड़ पाते हो, क्या नहीं पकड़ पाते हो, कि मंत्र कभी भी उस संख्या में काम नहीं करेगा जो संख्या आपको दी जा रही है। मैंने संख्या दी किसी को 11,000, ठीक है सर, तो 11,000 उस मंत्र को जगाने की संख्या है, 11,000 से ऊपर वो कार्य करेगा। पहले कोई मंत्र जागता है उसमें चैतन्यता आती है, उसमें आत्मा आती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद उसकी कार्य की गति आगे बढ़ती है, ये मंत्र का भेद है। उसके बाद उसमें ऊर्जा आती है तब वो कार्य को परिणत करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसी जा सकती इच्छा शक्ति आत्मबल आत्मशक्ति होती उसी के हिसाब से मंत्र आगे बढ़ता है। पलक झपक सहस्त्र कोश उड़ जाए, ये मंत्र की गति होती है, पलक झपकती सहस्त्रों कोश हजारों कोश चले जाता है मंत्र। तो ये है मंत्रों के भेद कहीं है। समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को समझा नहीं पाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीवन में कभी अनुभव नहीं हुए। अगर मंत्र को पूरे भेद के जानने के बाद और पूरी तरीका सही तरह से समझने के बाद उसको करोगे तो अवश्य फल मिलेगा, अवश्य। आपको मालूम है कुछ वीडियो तो ऐसी मेरी रहस्यमय वीडियो है, मैंने भूल चूक से समझ लीजिए ऐसा उसमें जानकारी डाल दी है जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि वो डालनी नहीं थी लेकिन डल चुकी थी। और गुरु ने भी, कई लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि ये चीज़ें इसमें नहीं डालनी थी क्योंकि इस रहस्यों को योगियों तक ही रहने दो, लेकिन मैं डाल चुका था उसको तो मैंने वापस नहीं लिया। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि वो किस वीडियो में रही, और वो वीडियो ज़्यादा आगे भी निकल गए, काफ़ी अच्छे निकल गए, तो वो चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। पहले ये वेद ये विद्या को उपतराहा करती थी, लेकिन इसमें से ज़्यादा तो नहीं लेकिन 10% अंश इंटरनेट के माध्यम से जनसंसार तक पहुंच गए, लेकिन वो पहुंचे 10% ही, बाकी 90% छुपे ही रहेंगे क्योंकि वो तो या तो मालूम नहीं थे लोगों को, और मालूम थे ज्ञानियों को तो वो बताते नहीं, क्योंकि कई चीज़ें नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं दी जा सकती, उनकी क्रिया बहुत ज़बरदस्त होती है। लोग पर ओम नमः शिवाय मंत्र को नॉर्मल मानते हैं, ओम नमः शिवाय में से ओम के बाद ओम ह्रौम नमः शिवाय ह्रौम लगा देने से उसकी शक्ति में आग लग जाती है, यानी कि वो अग्नि मंत्र बन जाता है। ये भेद किसी को नहीं मालूम, और ये क्यों बन जाता है ये उन्हीं को मालूम है जो ज्ञानी या गुणी है, जिन्होंने जीवन इसमें खपाया है, अपना लगाया है, क्योंकि जीवन खपाए बिना आप इस चीज़ को कैसे पकड़ पाओगे कि उसमें क्या भेद रहा है। अग्नि बीज लगने से या वायु बीज लगने से क्या मंत्र की गति बन जाती है। जो प्राचीन मंत्र थे उसमें स्थिरता कैसी थी, और जो अब के मंत्र हैं जो बाद में सिद्ध संतों ने बनाए उसकी स्थिरता कैसी थी, वैदिक मंत्र थे उसकी स्थिरता कैसी थी, और जो सावन मंत्र है उसकी स्थिरता कैसी थी, या उसकी गति कैसी है, उसकी छाल कैसी है, वो आपको भेद अभी तक किसी को मालूम भी नहीं होगा। आपको मालूम है मैं प्राण और पुरातन वैदिक साधनों पर ज़्यादा लोगों को वो करता हूँ क्योंकि उसकी शक्ति है ना अभेद्य है। अगर उसको आपने सही तरीके से नियम से लंबे समय तक कर लिया तो वो अभेद्य है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कभी जीवन में कि किसी संत पर मारण प्रयोग हुआ हो, या किसी संत पर किसी ने कोई चीज़ चला दी और उसकी तत्काल वहाँ सामने से टक देख करके खात्मा या मौत हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर भक्ति योग और वेद की वैदिक योग की शक्ति लगी रहती है, ज्ञान योग की शक्ति लगी रहती है, तो वहाँ पर क्रिया योग फेल हो जाता है। क्रिया योग फेल वहाँ पर हो जाता है जहाँ ध्यान योग प्लस देव योग मंत्र योग की शक्ति लगी रहती है। ये भेद मैं किसी और दिन समझाऊंगा कि ये कमज़ोर क्यों होता है और वो ताकतवर क्यों होता है। क्रिया योग में मंत्र योग भी आता है और जप योग भी आता है। मंत्र योग और जप योग में भी भेद है। आप कहेंगे जप और मंत्र तो एक ही हो गया, ऐसा नहीं है।
इसमें बहुत भेद है मित्रों, ये तो मैं कभी मौका लगेगा सामने बैठ करके समझाने का इच्छुक हूँ आप लोगों को। और जल्दी मैं कुछ दिनों के बाद ही मैं आप सबसे मिलने के लिए उपलब्ध रहूँगा, फ्री हो जाऊँगा, तब मैं करूँगा। अभी तो थोड़ी सी व्यस्तता चलती रहती है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाता। आपको मालूम है कोई भी वैदिक मंत्र या कोई भी तांत्रिक मंत्र अपनी एक नियमित संख्या जप होने के बाद चैतन्य होकर बैठ जाता है, उसके बाद की जो संख्या होती है वो उसकी कार्य संख्या होती है, यानी कि वो कार्य सिद्धि उसके बाद शुरू करता है। ये भेद जो नए साधक है वो नहीं समझ पाते और वो उसको पूर्ण नहीं करते। अब ऐसा नहीं होता तो हम जैसे लोग तो मूर्ख मूर्ख ही रहे होते, जिन्होंने 10 10 15 15 साल एक ही एक चीज़ करते रहे, हम तो मूर्ख होते। एक करिए साधना बिगड़ जाए तो फिर दोबारा उसी को करिए, बिगड़ जाए तो फिर दोबारा उसी को करिए, लेकिन वो साधना होनी चाहिए सही, या देने वाला सही होना चाहिए, कार्य तभी होगा मित्र। मंत्रों में कई भेद हैं, मंत्र में आपको एक दे रहा हूँ बहुत गजब, बाबा गोरखनाथ की सावरी। और इसमें और जो बाबा हैं उनकी भी शक्ति लगी हुई है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र बिल्कुल सिंपल है। इस मंत्र को अमावस्या की रात में 11 माला करना है, तब इसका चेतक दिखना शुरू होगा। पहले दिन 11 माला, दूसरे दिन 9 माला, तीसरे दिन 8 माला, इस तरह से उतारते उतारते 3 माला पर आना है, उसके बाद ये साधना बंद होगी आपकी। समझ गए आप? इस तरह से साधना बंद होगी और उसके बाद आप इसे कर सकते हैं सिद्ध, मतलब समझ लीजिए मंत्र एकदम सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र जी आपको हर जगह मिलेगा नहीं, बहुत ही मुश्किल से किसी जगह मिला तो मिला, नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी प्राचीन उसमें से हस्तलिखित किताबों में से आया है। और बहुत पहले इसका चेटक देखा था एक बार मैंने, जब मैंने गोरखनाथ का जीवनी पढ़ रहा था, चल रहा था पहले बहुत, तब मैंने इसका देखा था। तो मंत्र कुछ बहुत आसान टाइप का ही है, मैं तो कई बार किया है इसको। ओम नमो गोरख चले चले गुरु मछिंदर, काले पहाड़ पे पहरो काली को, मेरो कामना बनाए तो दुहाई काले भैरव की, आन गोरा पार्वती की। बस इतना ही मंत्र है। और मंत्र को दोबारा एक बार बोल देता हूँ, ओम नमो गोरख चले चले गुरु मच्छिंद्र, काले पहाड़ पे पैरों काली को, मेरो कामना बनाए तो दुहाई काल भैरव की, आन गोरा पार्वती की। ठीक है, इसमें बहुत चारों चार पांच देवता आ गए इसमें, ठीक है, शिव शंकर भी आ गए, काल भैरव भी आ गए, माता पार्वती आ गई, मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ बाबा आ ही गए, और काली माँ की पैरे लग गए इसमें। ठीक है, तो मंत्र काफ़ी ताकतवर कहलाता है सावरी में। तो सावरी का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखने में आता है इस युग में, तो सावरी का प्रभाव ज़्यादा इसलिए दिखने में आता है कि सिद्ध परंपरा से ही चलती है मंत्र, तो हर किसी को मिलती भी नहीं है। बाकी इसे ले करके जाप करना तो सफलता मिलने का चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन गुरु मुख से अगर किसी को मिल जाता है ये मंत्र सही तरीके से, और गुरु भी अच्छा जानकार हो, तो इसकी सफलता 100% होती है सावरी में। सावर विद्या की ये खास जगह है, तो इस मंत्र को कर सकते हैं आप, बहुत अचूक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। ठीक है मित्रों, चलिए आज्ञा दीजिए मुझको, जय माँ भवानी, जय माता रानी की।